वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमल टेक। आज हम बात करने वाले हैं अर्किन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कि जो कंपनी है ये रियल कंपनी है या फिर फेक कंपनी है। बिकॉज गाइस अर्किन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ना ये खुद को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसा ये ट्रीट करता है। एंड गाइस ये कंपनी वर्क फ्रॉम होम काम प्रोवाइड करता है इंडिया में। एंड इस कंपनी के पास बहुत सारे से काम अवेलेबल है जैसे कि कैप्चा एंट्री, डाटा एंट्री और भी बहुत सारे से जॉब है। तो क्या गाइस अर्किन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक रियल कंपनी है? क्या हम ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं या फिर नहीं? तो आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अर्किन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है arkinsystems.com मैंने इसको ओपन किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट के अंदर बहुत सारे से इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का CIN नंबर, रजिस्टर नंबर वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे लोगों को लगे कि हाँ ये कंपनी रियल है एंड लोग काम कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे होम सेक्शन के अंदर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स लिखा गया है, जैसे कि जो कंपनी है ये 27 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कब से ये कंपनी रन कर रहा है, 2 सितंबर 1994। एंड इसको प्रूव करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे ना ये जो quickcompany.in है ना यहाँ पे ये जानकारी इकट्ठा किया हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन किया है गाइस ये सही इन्फॉर्मेशन है। ये जो कंपनी है ये कॉर्पोरेट किया गया था 1994 में, राइट। लेकिन गाइस यार देखो ये कंपनी 1994 में बनाया गया था तो पुराना कंपनी है तो रियल कंपनी होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो 20-25 साल पहले बनाए गए थे लेकिन वो गाइस अभी फिलहाल फ्रॉड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस सेम ये जो कंपनी है अर्किन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ये सेम भाई उस टाइप का कंपनी है, यानी कि बहुत पुराना कंपनी है लेकिन अभी तक भी लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर यहाँ पे उसका लोगो दिया गया है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स का लोगो दिया गया है, राइट। और भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है, जैसे कि इस कंपनी के साथ काम करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दू शुड बी द पर्सन, यानी कि गाइस आप ना इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड आपके पास वोटर आई कार्ड, पान कार्ड या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये सब कुछ आईडी प्रूफ होना चाहिए। बिकॉज आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम पे सबमिट करना है। मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एज से लेकर आपको यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है 16 ईयर्स होना चाहिए एंड ऑफर लिमिट जैसे कोई बेसी क्राइटेरिया नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 10th पास, यानी कि जो कैंडिडेट है ना वो एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे काम नहीं कर सकते। देन गाइस बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा बिकॉज आपको यहाँ पे पैसा विड्रॉ करना है एंड बहुत सारे से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो कंपनी बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करता है एंड ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से, राइट। एंड जो रजिस्ट्रेशन विद इन 2 आवर्स आपको जो रजिस्ट्रेशन ये 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। मंथली एंड डेली आप पेमेंट्स ले सकते हैं, कोई भी मिनिमम टारगेट वगैरह कुछ भी नहीं है। डेडिकेटेड टेलिंग फोन सपोर्ट भी आपको मिलेगा, 24/7 ईमेल सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है इस कंपनी के साथ पास अभी 2030 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है एंड कंटिन्यूस वर्क एंड टाइमली पे आउट दे रहा है, नो फिक्स्ड वर्क टाइमिंग, ठीक है। एंड इजी लेवल अप्रूवल प्रोसेस है, QC रिपोर्ट फॉर द ईच सबमिशन, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स के ऊपर ये डिस्कशन किया है। एंड देन गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे से डिटेल्स इस कंपनी के पास है लेकिन यह देखो कोई काम का नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए डायरेक्ट आप डाटा एंट्री बटन पे क्लिक करके काम कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर क्लिक करके ये कंपनी के बारे में, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यार देखो यहाँ पे मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया लेकिन गाइस यार देखो यहाँ पे तो बहुत सारे से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि कंपनी क्या है ना, अर्किन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है एंड कंपनी का स्टेटस वगैरह यहाँ पे तो मैं आपको अभी शो किया था ना, राइट। तो यार देखो ये सर जो कंपनी का डिटेल्स है ना ये तो सही है लेकिन यार देखो इसका ओनर्स के बारे में डिटेल्स मेंशन है नहीं है, राइट। एंड गाइस इसके साथ मैं आपको और एक डिटेल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि यार कंपनी पुराना है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रियल काम दे रहा है, कंपनी हो सकता है तो कंपनी फ्रॉड भी हो सकता है ना। तो यार देखो ये जो कंपनी का जो लोगो है ना arkinsystems.com, मैं इसको whois.com पे चेक किया तो यार देखो ये जो डोमेन है godaddy.com से रजिस्टर हुआ था 2022 May 9th, यानी कि जो डोमेन है ये हाल ही में रजिस्टर हुआ है एंड इसका एक्सपायर डेट है 2023
में ना, दैट मीन्स गाइस ये जो डोमेन है ना सिर्फ एक्सेल के लिए रजिस्टर किया गया है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो डोमेन सिर्फ एक्सेल के लिए रजिस्टर होता है ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है। तो गाइस मैं आपको ये जो कंपनी है ना इसका असलियत बताता हूँ। ये जो कंपनी है पुराना कंपनी में मानता हूँ, लेकिन ये क्या क्या करता है ना, हॉल्स यानी कि ये हर साल ना एक न्यू डोमेन को ये रजिस्टर करता है, arkinsystems.com, arkinsystems.in, arkinsystems.net इस टाइप का ये डोमेन को ये रजिस्टर करता है हर साल और लोगों के साथ ये स्कैम करता है। जैसे कि गाइज ये जो डोमेन है arkinsystems.com ये रजिस्टर किया है 2022 यानी कि 2022 मई 9 पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल ही में रजिस्टर हुआ है एंड ये वाला जो वेबसाइट रहा है ठीक है, ये टोटल एक फ्रॉड कंपनी है, टोटल एक फेक कंपनी है। एंड गाइस मैं आपको और भी एक डिटेल्स दिखा देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री बटन पे क्लिक कर दिया राइट, तो आपको और भी बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो डाटा एंट्री का जो प्लान्स अवेलेबल है, दो प्लान्स अवेलेबल है इसके पास। जो फर्स्ट प्लान है मैक्सिमम पेज लिमिट रहेगा जो फर्स्ट प्लान के अंदर 1200 पेजेस पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। जो सेकेंड प्लान है अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इनकम रहेगा पर पेज के लिए जो फर्स्ट प्लान है ये 10 रुपया, सेकेंड प्लान से रहेगा 40 रुपीज़। फर्स्ट प्लान पे आप इनकम कर सकते हैं मंथली 12,000 रुपया, सेकेंड प्लान पे अनलिमिटेड मंथली बेसिस पेमेंट सर्कल रहेगा, लेकिन जो सेकेंड प्लान है रहेगा डेली बेसिस पे 2 साल तक यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ अ प्लान। भाई जब आपका वेबसाइट का वैलिडिटी 1 साल के लिए, तो फिर आपका डाटा एंट्री का प्लान्स का वैलिडिटी कैसे 2 साल तक रहता है एंड सेकेंड प्लान जो है ना ये लाइफ टाइम तक रहेगा, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाला जो प्लान है ये रजिस्ट्रेशन फ़ी 9,999 रुपया यानी कि 10,000 रुपया एंड सेकेंड वाला जो प्लान है ये 20,000 रुपया। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी ने मेंशन किया है कि आपको जो काम मिलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, आपको ना यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है यहाँ पे ये मेंशन किया है कि रिफंडेबल अमाउंट है, आपको ये 1 साल के अंदर रिफंड हो जाएगा एंड सेकेंड प्लान का जो अमाउंट है ना 2 महीने के अंदर रिफंड हो जाएगा। जबकि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो वेबसाइट है टोटली फ्रॉड वेबसाइट है, ये जो कंपनी है टोटली फ्रॉड वेबसाइट है कंपनी है। गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट गाइस लॉन्च नहीं हुआ है। यदि गवर्नमेंट का ऐसा कोई अप्रूव प्रोजेक्ट आता है तो फिर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट का वेबसाइट के अंदर ही वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस कभी भी गवर्नमेंट इस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं लाता है, बिकॉज यार देखो ये सब सारे डाटा एंट्री का प्लान से लेकर आते हैं ना जो स्कैमर, यार देखो ये सारे काम के अंदर ना कोई सेंस नहीं है, इस टाइप का काम नहीं है भाई ठीक है। कोई भी कंपनी इस टाइप का काम नहीं देता है राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी लिस्ट यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो गाइस यार देखो ये सारे के सारा ना झूठ बोला जा रहा है राइट, ये टोटल के फ्रॉड वेबसाइट है। यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए बॉटम दिया गया है, लेकिन गाइस आप यदि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करके रजिस्टर कर देंगे तो भाई आपसे ना ये 10,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़ तो भाई ये फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ना ये कंपनी आपके साथ ब्लैकमेल भी करेगा ठीक है। जैसे कि आपको काम देगा, आप काम नहीं कर पाओगे तो फिर बोलेगा कि आपको 50,000 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके नाम पर हम केस कर देंगे ब्ला ब्ला ब्ला, ये आपके साथ ना भाई चीट करेगा। तो ये कंपनी जो है टोटल एक फ्रॉड कंपनी है, तो आपको सावधान रहना है एंड इसके साथ काम नहीं करना है। तो गाइज आपको क्या कहना है इस कंपनी को लेकर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो इस वीडियो के साथ वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।